कुमारी माधुच जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माधुच जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माधुच जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माधुच जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी 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 आप संघर्ष करे अब आपके साथ है मारी आकाश आनंद जी आप संघर्ष करे अब आपके साथ है मारी आकाश आनंद जी आप संघर्ष करे अब आपके साथ है मारी आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माधुच जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माधुच जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माधुच जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 मारी आकाश आनंद जी आप संघर्ष करे हम आपके साथ है हमारा नेता कैसा हो कैसा हो नेता कैसा हो कैसा हो नेता कैसा हो कैसा हो आकाश आनंद जी आप संघर्ष करे हम आपके साथ है मानी आकाश आनंद जी संघर्ष करे हम आपके साथ है बहन कुमारी माधु जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माधु जिंदाबाद 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 मानी आकाश आनंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 नेता कैसा हो जैसा हो हमारा नेता कैसा हो आकाश आनंद जैसा हो आकाश आनंद जी संघर्ष करे हम आपके साथ हैं आकाश आनंद जी संघर्ष करे हम आपके साथ हैं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो आकाश आनंद जैसा हो आकाश आनंद जी आप संघर्ष करे हम आपके साथ हैं मानिए आकाश आनंद जी आप संघर्ष करे हम आपके साथ हैं बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा होती निशान आज लालगंज की सरजमी पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा आइकन नौजवानों की जिन दिलों की धड़कन परम आदरणीय माननीय आकाश आनंद साहब हम सभी लोगों के बीच में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं तो एक बार हम चाहेंगे कि आप सभी लोग माननीय आकाश आनंद जी का ताली बजा करके स्वागत वंदन वंदन करने का कृपा करें। अब हम आपके बीच में देर न करते हुए हमारे बीच में समस्त मंडल कोऑर्डिनेटर साहब तीनों सम्मानित जिला अध्यक्षगण और हमारे चारों प्रत्याशी गण हम निवेदन करते हैं कि बड़ी माला से माननीय आकाश आनंद जी का स्वागत वंदन वंदन करने की कृपा करें। समस्त हमारे कोऑर्डिनेटर गण जिला अध्यक्षगण आदरणीय हमारे प्रत्याशी गण साथियों अभी हमारे तमाम आजमगढ़ के मंडल के जिम्मेदार साथियों के द्वारा चारों हमारे घोषित कैंडिडेट्स के द्वारा माननीय आकाश आनंद जी का स्वागत सम्मान बड़े माला से किया गया। अब हम आप सभी लोगों के बीच में निवेदन करते हैं घोषी लोकसभा के पूर्व सांसद जिनको माननीय बहन जी ने पुनः अपना आशीर्वाद दे करके घोषी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित करने का काम किया है, हम चाहेंगे कि माननीय बालकृष्ण चौहान जी आए और मुकुट दे करके
माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत अभिनंदन करेंगे, माननीय बालकृष्ण चौहान पूर्व सांसद जी। जिनको जो भी मोमेंटो देना है हम निवेदन करेंगे, अपने अपने हाथों में लेकर के पड़े रहें जिससे देर ना हो। अब हम लालगंज लोकसभा की घोषित उम्मीदवार परम आदरणीय डॉक्टर इंदु चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब को मोमेंटो देकर के स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें, परम आदरणीय डॉक्टर इंदु चौधरी जी। अब हम बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिनको माननीय बहन जी ने सलेमपुर लोकसभा से उम्मीदवार घोषित करने का काम किया है, परम आदरणीय भीम राजभर जी से चाहेंगे कि आप आए और माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब को हाथी चुनाव निशान भेंट करके सम्मानित करने की कृपा करें, आदरणीय भीम राजभर साहब। जिंदा अब हम बलिया लोकसभा से घोषित उम्मीदवार आदरणीय ललन सिंह यादव जी से चाहेंगे कि आप आए और मुकुट देकर के माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब को सम्मानित करने की कृपा करें, आदरणीय ललन सिंह यादव जी। हमारे बीच में 2022 में जिनको माननीय बहन जी ने मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया था, परम आदरणीय धर्म सिंह गौतम जी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम आपसे चाहेंगे कि आप आए और चुनाव निशान हाथी दे करके सम्मानित करने की कृपा करें, आदरणीय डॉक्टर धर्म सिंह गौतम जी। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में मंडल कोऑर्डिनेटर रहे, वर्तमान में जिला के प्रभारी परम आदरणीय रामविलास भास्कर जी से चाहेंगे कि आप आए, गौतम बुद्ध की प्रतिमा देकर के नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने की कृपा करें, आदरणीय रामविलास भास्कर। साथियों, आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर के निश्चित रूप से आज हजारों की संख्या में हमारे बीच में सम्मानित जिला अध्यक्षगण, सम्मानित जिला अध्यक्षगण चाहेंगे कि बलिया के सम्मानित जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती जी आए और बुक्स दे करके आदरणीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करें, आदरणीय ओम प्रकाश भारती जी। दूसरे क्रम में मऊ जनपद के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय राज विजय जी से चाहेंगे कि आप भी आए और बुके दे करके माननीय कोऑर्डिनेटर साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का सम्मान करें। हमारे आजमगढ़ जनपद के जिला अध्यक्ष भाई अरविंद कुमार जी से चाहेंगे कि आप भी बुके दे करके स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय विनोद चौहान जी जो हमारे मंडल प्रभारी हैं उनसे चाहेंगे, भाई संतोष राम जो जिला प्रभारी बलिया हैं उनसे भी चाहेंगे कि आप आए, बुक्स दे करके सम्मानित करने की कृपा करें। पूर्व मंत्री माननीय हीरालाल गौतम जी से चाहेंगे कि आप भी आए और बुक्स दे करके माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करने की कृपा करें। पूर्व जिला अध्यक्ष बलिया आदरणीय जो जिला प्रभारी हैं सनी कुमार जी, हम आपसे चाहेंगे कि आप भी आए स्वागत करें। रवि राज बोध जी जो हमारे मिशन के गीतकार साथी, आप भी बुके दे करके स्वागत करने की कृपा करें, प्रीति बोध जी और रवि बोध जी। हमारे जिला प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व मंडल प्रभारी विजय कुमार जी से चाहेंगे कि आप भी आए, बुक्स दे करके सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे मऊ जनपद की
नेता आदरणीय रंजना भारती जी से चाहेंगे कि आप भी बुके देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। बहुजन समाज पार्टी से सगड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके आदरणीय शंकर यादव जी से चाहेंगे कि आप भी बुके देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। शंकर यादव जी, जय भीम कुमार जी जो हमारे मऊ जिला के प्रभारी हैं, उनसे भी चाहेंगे कि नौजवान साथी भाई जय भीम कुमार जी बुके देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे मऊ नगर पालिका परिषद से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने वाले अरशद जमाल साहब चेयरमैन साहब से चाहेंगे कि आप भी बुके देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। पूरे सांसद माननीय सालिम अंसारी साहब से चाहेंगे कि आप भी सम्मान करें। विनोद श्रीवास्तव जी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता आजमगढ़, आप भी बुके देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। आज डॉक्टर हरिराम भास्कर जी से चतई राम एडवोकेट जो हमारे मंडल प्रभारी हैं, सुरेंद्र राजभर जी जो हमारे मंडल प्रभारी हैं, आप सभी लोगों से चाहेंगे कि बुके देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। अरुण पाठक जी जो हमारे भाईचारा के मंडल वाराणसी मंडल आजमगढ़ के रहे हैं, आपसे भी चाहेंगे कि ये हमारे भाई जो मंच पर खड़े सामने खड़े हैं आप लोग, अरुण सिंह जी आपसे भी चाहेंगे, वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी अरुण सिंह जी बुके देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। सदर जिला पंचायत डॉक्टर गीता जी से चाहेंगे कि आप भी फोटो देकर के सम्मानित करने की कृपा करें। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई हरिचंद गौतम जी माननीय मुख्य अतिथि जी को बुके देकर भेंट करने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, माननीय मुख्य अतिथि का सम्मान करने का काम कर रहे हैं माननीय हरिचंद गौतम जी। अरे पहले हम सबके गार्जियन आजमगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी पूरा एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप जी भी माननीय मुख्य अतिथि का बुके देकर सम्मान कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, माननीय हरिचंद गौतम जी, अरे तनी पहले हो जाता होगा तो लेनिया हो जाता होगा। श्री राजकुमार जी हमारे पूरे जिला बाम से माननीय मुख्य अतिथि का बुके देकर सम्मान कर रहे हैं बड़े भाई श्री सुभाष जी, सुभाष भारती जी से चाहेंगे, गरीब राव रसिया जी से चाहेंगे कि आप सभी लोग बुके देकर के सम्मानित करने कृपा करें। जगदीश गुप्ता जी, आदरणीय शैलेंद्र महाराज जी, खुर्शीद कमाल साहब, सभासद जी मऊ, जितेंद्र धनराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता जितेंद्र धनराज जी से चाहेंगे कि आप भी जेके आजाद जी, हमारे साथी मुकेश कुमार जी सदर जिला, हमारे जिला कार्यकारिणी के सदस्य मुकेश कुमार जी, पंकज कुमार गौतम जी, अंशु देवा जी, हमारे राष्ट्रीय मिशन गीत गायक आदरणीय किशोर कुमार पगला जी से चाहेंगे कि आप भी अपने सभी साथियों की तरफ से बुके देकर के माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत वंदन वंदन करें। आदरणीय किशोर कुमार पगला जी हमारे जो साथी हैं, कृपया पीछे चले जाएं। आप लोग मंच से नीचे, मंच से अच्छा, राजू सोनकर जी ओमकार शास्त्री जी जो हमारे मंडल प्रभारी, उनसे भी चाहेंगे कि आप आए बुके देकर के सम्मानित करें। राजू सोनकर जी मऊ के साथी राजू खटिक जी आए सम्मानित करें। गौरी शंकर आचार्य जी मंडल प्रभारी, डॉक्टर अमरनाथ बोध जी, हीरालाल कौशलपुर जिलाध्यक्ष जी बलिया, आचार्य जी को बोल दिया, साथियों जिसान अहमद नगरा जिसान अहमद, साथियों हमारे तमाम सामने के साथी मेसियो त्रोप से अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत वंदन वंदन करना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण निश्चित रूप से हम आपको समय नहीं दे पा रहे हैं,
लेकिन आप सभी लोगों की तरफ से पुनः एक बार जोरदार तालियों से माननीय नेशनल क्वार्टर साहब का स्वागत वंदन वंदन कर दे, वहीं से मान लिया जाएगा। अब हम आपके बीच में बाप आपके बीच में हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब अपनी बात रखे, उससे पहले हमारे बीच में अंबेडकर नगर के साथी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को अपने गीतों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है, बानी गुलाम किबिरिया जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आए और एक छोटी सी गीत से माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब का स्वागत करें, आदरणीय गुलाम किबिरिया साहब। सबसे पहले पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मरहूम कांशीराम साहब को खराज मोहब्बत पेश करते हुए आज के इस जनसभा के मुख्य मेहमान मेहमान खुसूसी इज्जत माब आली जनाब आकाश आनंद जी जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, मैं अपनी तरफ से मंचासीन हजरात की तरफ से आप सारे सामईन की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। चूंकि सुनने के लिए आप माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब को आए हैं तो मैं बीच में बाधा नहीं बनना चाहता, शुरू कर रहा हूं अपनी बात, दो चार मिनट में खत्म कर दूंगा। फूल गगन बरसाए आकाश हैं आए, बहन जी को पीएम बनाए, बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद। फूल गगन बरसाए आकाश हैं आए, बहन जी को पीएम बनाए, बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद। और छात्रवृत्ति सड़क अस्पताल सब थे बराबर सभी थे खुशहाल, छात्रवृत्ति सड़क अस्पताल सब थे बराबर सभी थे खुशहाल, देखा बहन जी का सब ने कमाल, देखा बहन जी का सब ने कमाल, सबको ये बात बताएं, मिशन को जगाएं, बहन जी को केंद्र में लाएं, बोलो संविधान जिंदाबाद। इसका थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए और बेस कम कर दीजिए, इको बढ़ा करके बेस कम कर दीजिए, माइक ऑपरेटर से गुजारिश है, इको बढ़ा करके हल्का था, इको बढ़ा करके बेस कम कर दीजिए। फूल गगन बरसाए आकाश है आए, बहन जी को पीएम बनाए, बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद। और एक ही नारा और एक ही आवाज आएगा इस बार बहुजन का राज, एक ही नारा और एक ही आवाज आएगा इस बार बहुजन का राज, जागो रे जागो ऐ बहुजन समाज, जागो रे जागो ऐ बहुजन समाज, सोते हुए को जगाएं, गले से लगाएं, जो रूठे हुए हैं मनाएं, बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद। फूल गगन बरसाए आ
आकाश है आए बहन जी को पीएम बनाए। बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद। और तोड़ दो तो नफरत की सारी दीवार, जीत लो दिल सबका बांट के प्यार। लहरा दो नीला अलम अब की बार, लहरा दो नीला अलम अब की बार। आओ मिल के साथ में गाएं भाईचारा बनाएं, ये हाथी वाली बटन दबाएं। बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद। और इंशा अल्लाह बनेगी सरकार, तख्त बदलने को सब हैं तैयार। झूम के हाथी चला है इस बार, झूम के हाथी चला है इस बार। कांशी राम बन के दिखाए, बहन जी को लाए, गगन भेद नारा लगाए। बोलो संविधान जिंदाबाद, हाँ बोलो संविधान जिंदाबाद। और गीत का आखिरी बंद दुआओं के साथ आप सारे हजरात की तरफ से पहुंचा रहा हूँ। कि जिंदा रहेगा अगर संविधान, जिंदा रहेगा हम सबका सम्मान। संविधान ही से हमारी पहचान, संविधान ही है हमारी पहचान। मुल्क टूटने से बचाए, हर सीट जिताए, किसी के ना झांसे में आए। बोलो संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। अभी आप लोगों ने गुलाम किबरिया साहब को गीतों के माध्यम से सुनने का काम किया। अब हम आपके बीच में देर न करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की अरे बाप फिर से जीत गई। निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और यहाँ के लाखों की जनता में आए हुए लोगों का लोगों को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय कासाना जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय कासाना जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज यहां संघर्ष करे हम आपके साथ हैं, आज यहां आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। माननीय कासाना जी संघर्ष करे हम आपके साथ हैं, माननीय कासाना जी आगे बढ़े हम आपके साथ हैं। माननीय नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब, जय भीम। मैं समझ सकता हूँ बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पर ये बाबा साहब का मूवमेंट बहुत साल पुराना है तो दिल्ली तक आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो साथियों, ऐसा जय भीम करेंगे कि पार्लियामेंट की दीवारें हिल जाएं। तो एक बार और जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें अपना कीमती समय निकालकर आप हमें आज यहां सुनने आई हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।
साथ ही साथ आज यहाँ हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी भाई बहन जो आज इतनी गर्मी में इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें सुनने के लिए, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये लोकसभा चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे सभी कमिटी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता गण, हमारे सभी प्रत्याशी लोग जिन्होंने आज सभा को सफल बनाने में दिन रात एक कर दी, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामा स्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की चार चार बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार व आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान ए स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य में चार बार अपनी पार्टी BSP की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पदचिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिनके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन कड़ा संघर्ष करा है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा चुनावों में दुश्मन हमारे बीच में रहकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ता को अंदर से गुंगराह व कमजोर करने की कोशिश करेगा। और साथियों, यही नहीं, दुश्मन आज की डेट में आज इतना काबिल नहीं कि आपको सामने से आकर आप पे वार करें। साथियों, दुश्मन आजकल बहुरूपियों का रूप लेकर एक बहुरूपिये की तरह एक कार्यकर्ता, एक प्रत्याशी, एक पदाधिकारी के रूप में आप लोगों को भटकाने का काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्यकर्ता कोई बहुरूपिया या कोई दुश्मन है या हर कोई पदाधिकारी या कोई हमारा प्रत्याशी दुश्मन है, पर साथियों, आपको इनको पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें अंदर से कमजोर करने का काम करते हैं। साथियों, अगर कोई भी आपको BSP के अलावा किसी और पार्टी या किसी और नेता के बारे में बोले कि वो आपका हितेशी है, आपको उसको वोट डालना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आप एक बहुरूपी यानी एक दुश्मन से बात कर रहे हैं। आप यहां पे सब बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग और माताएं हैं, आप लोग बखूबी जानते हैं
कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को, और वो संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ आप बताइए साथियों। माननीय साहब कांशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब अगर कोई कार्यकर्ता कोई नेता ये बोले कि भाई आपका सही हितेशी बहुजन समाज पार्टी या बहन जी नहीं है तो बताइए कि गद्दार से बात कर रहे हो कि नहीं। बताइए कोई देशद्रोही कोई गद्दार टाइप का आदमी ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि नहीं। तो साथियों आपको इन बहरूपिये से संभल कर रहना है, और ये बहरूपिये हमारा आप जानते हैं बहुजन समाज कितना बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी में करोड़ों लोग सदस्य हैं, परंतु ये 4-5 लोग मिलकर इन लोगों पे नजर नहीं रख सकते। तो आप सबको अपने कान आंख खुले रखनी होगी और इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही आप इस दुश्मन को पहचाने, इसको सतर्क करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी सतर्क करने की जरूरत नहीं है, आप इनको बस समाज से अलग कर दें, पार्टी से अलग कर दें, इन लोगों की बातों में ना आए और इन लोगों से सावधान रहें। साथियों आप लोगों को समझना होगा, और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि साथियों ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों अगर मैं आपसे ये लाइन कहूं, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से इन बातों से सहमत करते हैं तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों जो बहन जी के खिलाफ है वो माननीय साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है, बताइए कि सही है कि नहीं। साथियों साथियों बहुजन समाज पार्टी सालों से यहां पर अपने कार्यकर्ता के तन बल और धन से चलती आई है। आप मानते हैं ना कि आपका दिया हुआ 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर करके ये मूवमेंट चलाया गया है। परंतु दुश्मन गुंगराह करता है, आपको गलत फहमियां पैदा करता है, कहता है कि ये तो पार्टी और लोगों के पैसों से चल रही है, ये पार्टी दुश्मनों के पैसों से चल रही है। साथियों हकीकत तो ये है कि दुश्मन की पार्टियां विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा यहां पर चंदा लेती है, बड़े बड़े धरना सेटों से चंदा लेती है। परंतु इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में आप जानते हैं किस एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम नहीं था। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शर्म की बात है, गर्व की बात है कि नहीं, और ऐसे नाम लीजिए जैसे पूरे भारत को पता चल जाए कि ये पार्टी किसके बल पे चलती है। साथियों पूरे देश में एक लौती बहुजन समाज पार्टी ही है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 1 रुपया किसी कॉर्पोरेट किसी सत्ता में नहीं किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से नहीं लिया। माफ कीजिएगा शायद मकड़ी चल रही है, ये मकड़ियां भी ऐसी जाल बांधती हैं जैसे यहाँ पे विपक्षी पार्टियां। कोई बात नहीं, हमें कुचलना आता है, क्यों साथियों कुचलना आता है ना, ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटबइए सब निपट जाएंगे। साथियों इस लोकसभा आम चुनाव में आप जानते हैं
आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच मराकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पर लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पर बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पर सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है, तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइएगा। ठीक साथियों, अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको शिक्षा के नाम पर 3 छोड़ के जा रहा हूं, 3 जरूरी बातें आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, पहली बात, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछो, गुणा भाग करना आता है बेटा, अंग्रेजी में बात करनी आती है तुम्हें, तो ना बच्चा वो गुणा भाग कर पाएगा, ना वो अंग्रेजी के शब्द समझ पाएगा। ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, हमारी बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। कोई बात नहीं, बाबा साहब बोल के गए थे कि हमारे लिए शिक्षा ही हमारा मंदिर है, हमारे लिए स्कूल और कॉलेजेस ही हमारा मंदिर है। इनसे पूछिएगा कि भाई कितने मंदिर तुमने हमारे बाबा साहब के हिसाब से बनाए हैं, वो बताइए आप हमें। साथियों, शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे, पर साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में, 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है इन स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है, इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। ये लोग चाहते ही नहीं कि कभी हम अपने पैरों पर खड़े हों। स्कॉलरशिप के नाम पे मजाक किया, अरे भाई स्कॉलरशिप के नाम पे कटोरा थमाया है आपको, कटोरा। साथियों, दूसरा, रोजगार की बात करते हैं। साथियों, रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इस भाजपा सरकार ने कितने काम किए, ये बहुत बड़े बड़े पोस्टरों में लिखाकर छपका देंगे, न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े ऐड देंगे कि मोदी जी की गारंटी है इस बारी। परंतु इस गारंटी का क्या हश्र है, वो हमारा युवा यहां बखूबी जानता है। साथियों, आज 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब आप बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं? साथियों, जानते हैं कि ये बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में बखूबी बहुत नौकरियां हैं। जैसे कि सेंटर की केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं, 30 लाख से पद अभी खाली पड़े हैं। और अगर भाजपा के चलते हुए राज्यों में अगर आप उनके भी आंकड़े जोड़ लो, तो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जहां पर ये चाहे
तो कल ही भर्ती कर ये 50 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम कर सकती है, पर ये देती नहीं, ये देती नहीं। साथियों, पकोड़ा तलने को कहती है, आता हूं उस पे भी आता हूं। साथियों, इनके चलते हुए पिछले 10 सालों में ये खबरें बहुत आम हो गई। मैं एक खबर सुना के दिखाता हूं। 17 लाख से ज्यादा युवकों ने 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। नौकरी कौन सी थी? पियोन की नौकरी थी। और अप्लाई करने वाले 17 लाख बच्चे कौन से थे? पीएचडी, पेपर लीक, आता हूं पेपर लीक पे भी आता हूं। इन 17 लाख बच्चों की क्वालिफिकेशन थी साथियों, पीएचडी स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पढ़े लिखे बच्चे। 17 लाख से ज्यादा बच्चे एक 3500 पियून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बताइए, इससे ज्यादा खराब हाल हो सकता है कि नहीं? और ये तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, ये 17 लाख बच्चे प्रधानमंत्री जी के अपने स्टेट गुजरात के हैं। अब जो अपने गुजरात में नौकरी नहीं दे पाए वो प्रधानमंत्री बन गए, अब प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल उठाती है तो सही कहा आपने, बोलते हैं कि भाई जो सड़क पे पकोड़े तल रहा है वो भी तो रोजगार है, दिया ना मैंने आपको रोजगार। अब बताइए, पकोड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? नहीं होता। अच्छी बात है आप मानते हो पकोड़ा तलना रोजगार नहीं होता, क्योंकि कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। साथियों, ये लोग क्या करते हैं, पहले आपके बच्चों से आपकी शिक्षा छीनते हैं, फिर जो बच्चे किसी मेहनत करके पैसा खर्च के एक एजुकेशन शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रोजगार देने से भागते हैं, रोजगार नहीं देते। जब आप सब अपनी आवाज उठाते हो, पेपर लीक होते हैं तो क्या करते हो आप? आवाज उठाते हो, सड़कों पे उतरते हो, बताओ उतरते हो कि नहीं? तो ये सरकार क्या करती है, क्या मारती है? लाठियां मारती है। साथियों, अगली बारी क्या करना है आपको? नहीं, लाठी नहीं मार सकते आप पुलिस कर्मियों को, सरकार को लाठी नहीं मार सकते, ये गलत है। क्या कर सकते हो? सरकार उखाड़ के फेंक दो, हाथी के सामने वाला बटन दबाओ। ये वो लाठी का बदला लेना है साथियों जो आपको पड़ी है, एक एक वोट वो लाठी की तरह इन्हें पढ़नी चाहिए। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इन्हें एहसास होना चाहिए कि कितनी बड़ी गंदगी, कितनी ज्यादा गद्दारी की है इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ। अब साथियों मैं अपनी माताओं बहनों से जरूरी बात करना चाहता हूं। अब ये बात मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं। हमारी सारी बड़ी बुजुर्ग हैं मौजूद आज यहां। मां आप बताओ, ये लोग कहते हैं इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है, इन्होंने आपको भी राशन दिया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, आपके घर में रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। आप बताइए मां, आपने इनको इसलिए वोट डाला था कि आपको फ्री में राशन दे या अपने बच्चे को रोजगार दे? अगर आपने रोजगार के लिए वोट डाला था तो हाथ उठा दीजिए मां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी मां पूरे देश में दिखें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं मुफ्त में राशन देकर, कहते हैं कि भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर
कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों, इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में, तुमने कुछ नहीं दिया, गद्दारी की है गद्दारी। साथियों, पंद्रह लाख बकाया है, नहीं पंद्रह लाख नहीं, करोड़ बकाया है मेरे भाई, करोड़ों बकाया है। इन्होंने तुम्हें चूना जो लगाया है वो समझाता हूं, करोड़ों का चूना लगाया है। तुम्हें पता है जब तुम दूध खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो ना, पूरा देश वो जीएसटी जमा करता है। वो जीएसटी का पैसा ये फ्री राशन बांटने में लगा देते हैं। पता है क्या कीमत है उस राशन की पूरे देश को, आपके टैक्स के पैसे को पता है क्या कीमत पड़ती है? आप साल का 2 लाख करोड़ रुपया चुकाते हो, साल का 2 लाख करोड़ रुपया राशन की स्कीमों में चुकाते हो। अब आप बताइए, लाखों का चूना लगाया कि करोड़ों का चूना लगाया? करोड़ों का चूना लगाया, सही कहा। कहते हैं कि हमने मुफ्त में 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया, राशन की कीमत क्या देती है जनता? आप बताइए साथियों, कितने का राशन आपको मिलता है? 1000 रुपया? साल का 12000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता ना मां? नहीं। आपके बच्चे को अगर क्लास 4 की नौकरी देते ना ये लोग तो 20000 रुपया महीना कमाता वो। साल का 12000 का राशन देके साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग, साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं। साथियों, इन्होंने वादा किया था, साथियों ने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 100 रुपए। अब दूसरा सवाल मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूं, माँ गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है कितने का गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें माँ? 1200 रुपए का माँ, 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों का खास ध्यान रखता हूं, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। हमारी माओ की तरफ से मैं आज एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं। मोदी जी, सब्सिडी नहीं मांगी थी, मुफ्त में राशन नहीं मांगा था, सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मांगा था, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ एक मौका। ये अब सब्सिडी देना शुरू कर रहे हैं साथियों। माँ, ये आपको सब्सिडी देने की बात करेंगे, अब ये गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। परंतु जिस दिन आपका वोट डल जाएगा, देखिएगा अगले दिन कैसे वो सब्सिडी खींचते हैं, कैसे फिर से गैस सिलेंडर का भाव 1000 रुपया पार करता है। ये आपको भूखा मारना चाहते हैं साथियों, ये आपको भूखा मारना चाहते हैं, मत भूलिएगा। साथियों, कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने हमसे बोला कि आप के राज्य की क्या भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल कर बदनाम कर रहे हो। आप बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलते बुलडोजर की सरकार, क्या बोले आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि यूपी में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग आसमान छू रहा है, यहां पर उत्पादन आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखें खोल के देखो तो पता चलेगा कि यूपी में कितना काम हुआ। तो साथियों, मैंने वही किया, मैंने आंखें खोल के देखी और बोला कि शायद बुलडोजर की सरकार नहीं है यहां पर। पर जब आंखें खोली तो पता चला कि पिछले एक साल में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पर अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। अच्छा था बुलडोजर की सरकार, अब
ये माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये भी अब बोलना पड़ेगा। इन्होंने पिछले एक साल में 400 किसानों भाइयों की हत्या की है साथियों। 400 किसान भाइयों ने आत्महत्या करी इनकी गलत नीतियों की वजह से, ये भी आंखें खोली तो पता चला। उसके बाद और पढ़ाई लिखाई करी और लोगों से बात करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बुलडोजर की सरकार अच्छी थी, ये तो हमारे बच्चों को ही भूखा मार रहे हैं। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले यूपी में नंबर 1 पहुंच चुके हैं। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अत्याचार होने के केसेस पूरे देश में यूपी नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 पर है पूरे देश में। साथियों, हमारे आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश से, आज आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। तो ठीक है, आज के बाद से हम प्रदेश को बुलडोजर की सरकार नहीं बोलेंगे। आज के बाद भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं है, आप लोगों की सरकार जनता को गुमराह करने वाली सरकार बन चुकी है। जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे, जो सरकार अपनी आवाम को राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, वो सरकार अब बदलनी है साथियों, वो सरकार अब बदलनी है। क्या सरकार, क्या जो सरकार, वो सरकार जो सरकार, वो सरकार। साथियों, बुरा मत मानना, मैं निकामी बोल नहीं सकता। साथियों, साथियों, भाजपा पे बहुत समय खर्च दिया, ये मेरी जिंदगी का समय वापस नहीं आएगा, आप भी मत खर्चिएगा, अगली बारी वोट अपने हाथी पर ही दबाना। साथियों, इनकी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आएंगे, इनकी तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आपके बीच में आएंगे, परंतु इस बारी इनकी बातों में मत आइएगा। साथियों, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला पिछले विधानसभा आम चुनाव में, जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला पिछले 2.5 सालों में, उस समाज पर इतना अत्याचार हुआ है और इनके मुंह से एक चू नहीं निकली है। बताइए साथियों, सही है कि गलत? साथियों, जिस समाज ने इसके लिए वोट किया उनके लिए इनके मुंह से एक चू नहीं निकला, परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया पास करने के लिए, तब ये लोग सबसे पहले खड़े हो गए उस बिल को फाड़ने के लिए, उसके खिलाफ विरोध करने के लिए। साथियों, ये लोग आपके समाज के खिलाफ हैं, ये खाली बहुजन समाज नहीं अति पिछड़ियों के पिछड़े समाज के खिलाफ है। साथियों, इनसे बड़ा देशद्रोही गद्दार कोई नहीं। साथियों, इन्हीं की तरह हाथ वाले लोग भी आएंगे, कांग्रेस पार्टी भी आप लोगों के बीच में आएगी और बोलेगी हम भी बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी ओबीसी व पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे बस एक सवाल करिएगा कि पिछले 60 साल से आप केंद्र की सरकार में आसीन थे, तब कहां गया ये एससी एसटी का बिल, तब कहां गया आरक्षण हमारे समाज के लिए, तब आप तो हमारे बाबा साहब को भी भारत रत्न देने से कतरा रहे थे। तो अब जब आपकी पूरी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ चुका है, तो अब आपको बहुजन समाज की याद आ रही है। साथियों, इस बारी इनका हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापिस भेज देना। साथियों, इन लोगों पे बहुत समय जाया कर लिया। हम आपको बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना चाहते हैं
जिन नीतियों पे बहन जी ने 2007 से 12 तक की सरकार चलाई थी, जिन नीतियों के तहत चलकर यहाँ पे सर्व समाज में से सभी गरीब बड़े बुजुर्ग सबके लिए जो काम किया बहन जी, उन्हीं नीतियों के आधार पर आगे चलकर पूरे देश में सर्व समाज की सेवा करेंगी। साथियों, आप जानते होंगे कि बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने हर एक गरीब बच्ची को पैदा होते वक्त ही 1,00,000 रुपए सीधा उसके खाते में देने का काम किया था। साथियों, देश में पहली बार गरीब के घर में एक लखपति लड़की पैदा हुई थी, वो भी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्री बाई फूले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए फ्री करी थी, क्योंकि बहन जी बाबा साहब की कही बात को बहुत अच्छे से समझती है और मानती है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहन जी ने इस योजना के तहत अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया। साथियों, शेरनी बनाने का काम किया, ये तो अरे नारा बोल के भी तुम बेटियों की बात कर रहे हो भाई, वो बेइज्जती करने की बात है, मत करो, बेइज्जती करने की बात है। अगर बेटियों को बढ़ाना है तो मुफ्त में शिक्षा दे के दिखाओ, अगर बेटियों को पढ़ाना है, बढ़ाना है तो उनको IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनाओ, उनको आरक्षण अलग से दो, उनके लिए सुविधा दो। कितनी बात करती है ये सरकार अपनी बहन बेटियों की, कितनी बात करती है। कांग्रेस की सरकार चल रही है और राज्यों में कितने रेप के केस सामने आते हैं हर रोज, कितने केस आते हैं बलात्कार के सामने रोज। भाजपा की सरकार चल रही है, कितने रेप के केस पकड़े गए, कहीं पे भी नहीं बेटी को बचाया जा रहा, कहीं पे भी बेटी को नहीं बचाया जा रहा। साथियों, एक बहन जी ही है जो अपनी बेटियों का दर्द समझ सकती है। साथियों, समय आ गया है वापस उनको प्रधानमंत्री बनाने का। साथियों, बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC ST OBC आदिवासी समाज के लोगों के लिए अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, जानते हैं 3.5 लाख परिवारों को अपना खुद का घर मिला इस योजना के तहत। साथियों, यही नहीं बल्कि हमारे युवा साथियों को जानकर अच्छा लगेगा कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी, 1,00,000 से अधिक शिक्षकों को नौकरी दी थी, 2,00,000 से अधिक पुलिस फोर्स में जवानों को भर्ती किया था और 6,00,000 से अधिक अपर कास्ट समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी का मॉडल अपनी बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा, हमारे गरीब भाइयों को रोजगार, बेरोजगार युवाओं को रोजगार, गरीब परिवारों को छत देने का काम है। हमने आपसे शुरुआत में बोला था कि 3 मुद्दों पे सवाल करेंगे, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा। सुरक्षा पे ये लोग फेल, शिक्षा पे ये लोग फेल, रोजगार पे ये लोग फेल। परंतु बहन जी की सरकार में शिक्षा भी मिली, रोजगार भी मिला और सुरक्षा के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बहन जी लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं उसके बारे में। साथियों, आप लोगों का और समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से, बहन जी के द्वारा ये खास अपील करता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में हमारे चार प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी जी, श्री बालकृष्ण चौधरी जी चौहान जी, श्री भीम राजभर जी और श्री लल्लन सिंह यादव जी, आप सबको इनको हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर सत्ता में आसीन कराना बहुत जरूरी है। साथियों, इनको इनके सामने हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इनको विजय बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आप लोगों से ये पुरजोर अपील है। साथियों, अपनी बात
यहाँ समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मैं अपने सभी माताओं बहनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे सभी युवा साथियों का